अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि PPSC के सॉल्ट पास पेपर का पार्ट 1 असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर BPS 17, जो कि 4 सितंबर 2021 को हुआ था। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था, उर्दू के दो क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म तलवे इस्लाम इनके किस मजमूए में है। पहला ऑप्शन बांगे दरा, दूसरा ऑप्शन बाले जिब्रील, तीसरा कलीम ज़र्ब और फोर्थ ऑप्शन जो था प्याम मशरक था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बांगे दरा है। इसके बाद जो इसकी डिटेल में है, बांग दरा बर सगीर के अजीम शायर और फलसफी मोहम्मद इकबाल अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी पर मुश्तमिल पहला मजमूए कलाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कलाम है पहला मजमूए कलाम, जो कि 1924 में शाया हुआ था। और उसकी जो मशहूर नज़में, सिर्फ यहाँ पे तलवे इस्लाम का पूछा गया था, इसके अलावा शिकवा जवाब शिकवा भी है और खिजर राह भी है, ये भी इसी के पार्ट में शामिल थे। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने जमाल दोस्त का लकब किसे दिया। पहला ऑप्शन है महमूद शेरानी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जमील जालबी, तीसरा ऑप्शन है वली दुकनी, वली दुकन दुकन से थे तो इसलिए उनका नाम दुकनी है, और फोर्थ ऑप्शन था नान ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। इसके जो डिटेल है, इसके अलावा जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उसमें उर्दू शायरी कावलीन में उमर किस शख्सियत को कहा जाता है। इसके अलावा वली दुकनी से पहले उर्दू शायरी के कदीम नमूने कहाँ से मिलते हैं, वो भी दक्कन और पंजाब से। और पहले का ऑप्शन कभी अभी वली दुकनी ही होगा। उर्दू का सबसे पहला बाकायदा गज़ल गो शायर किसे तस्लीम किया गया, वो भी सेम क्वेश्चन का सेम इस क्वेश्चन का भी सेम आंसर होगा। दुकनी से पहले गज़ल के कितने अदवार गुजरे हैं, उसके दो अदवार गुजरे हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ द गिवन नंबर ऑफ मनी इज $250,000 एंड दिस मनी इज डिवाइडेड विद 1/3 and 1/5 रेशियो, फाइंड द ग्रेटर डिवाइडेड नंबर। तो इसके अंदर हम 250,000 को 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 + 3 + 1 = 9। अभी 5 से जो आंसर आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फिफ्थ जो रेशियो वो सबसे बड़ी है, तो उसके अंदर यहाँ पे आंसर नहीं था, तो इसका नन ऑफ दीज होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, काजी मोहम्मद ईसा ऑफ बलोचिस्तान वाज क्लोजेस्ट टू किसके ज़्यादा करीब थे, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जनरल जिया, अल्लामा इकबाल या नन ऑफ दीज। इसका कैद आज़म होगा, क्योंकि 1939 से लेकर 1947 तक वो कैद आज़म के करीब ही रहे। टू गो फॉर एन सजेस्टेड वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन हैविंग एज लेस देन 17 ईयर्स, जो लोग फॉरन जा रहे हैं उनके लिए और उनकी 17-18 ईयर्स से कम एज है, तो उनके लिए एक बूस्टर डोज लगाने का इनकार किया गया है। तो उसके लिए ये कंफर्म तो मुझे नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है पी फाइजर, दूसरा सैनोवैक, तीसरा मॉडर्ना और फोर्थ नन ऑफ दिस। तो मेरे ख्याल में पी फाइजर भी बताई जा रही है और मॉडर्ना भी अब तो लगाई जा रही है मेरे ख्याल में, तो ये कन्फर्म कर लीजिएगा कौन सा इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट किस रिवर के अलांग, किसकी रिवर के अलांग लोकेट है करता है, तो किस रिवर के अलांग है। तो उसके अंदर रिवर जेलम उसका ऑप्शन था, तो इंडस ऑप्शन दिया हुआ था जेलम चनाब, तो उसके लिए जेलम होगा, क्योंकि जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो रिवर जेलम पंजाब में लोकेट करता है। उसके अलावा इट विल क्रिएट न्यू परेनियल्स कनाल्स, परेनियल इरिगेशन सर्विसेज फॉर एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन
और 79,750 हेक्टेयर इन पिंड दरतन खान एंड खोशाब डिस्ट्रिक्ट, खोशाब आलम बकर के करीब आता है। तो वहाँ पे इसके साथ ही रिवर जेलम गुजरता है, तो मीन्स के रिवर चनाब और जेलम हेड त्रिमू पे मिलते हैं, तो उनके राइट साइड पे जलाल इरिगेशन प्रोजेक्ट आएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि जलालपुर शरीफ में पाया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हिरन मीनार वाज लुक कंस्ट्रक्टेड इन द एरा ऑफ इस मुगल एम्पायर। हिरन मीनार, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है कि कहाँ पे है, वो शेखपुरा में है, जबकि ए ऑप्शन शाहजहां, बी औरंगजेब, जहांगीर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जहांगीर होगा। इसकी डिटेल्स के अंदर ये है कि हिरन मीनार वाज बिल्ट ड्यूरिंग रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर जहांगीर इन द हंटिंग रिजर्व यूज बाय द मुगल रॉयल्स। तो ये शेखोपेरा में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1607 में स्टार्ट हुई थी, जबकि 1620 में इसकी कंप्लीशन हुई थी। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि कब कंप्लीशन हुई, तो 1620 में कंप्लीशन इसकी भी। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, द कंपनी विच सप्लाई मोर ऑयल इन द वर्ल्ड टू फॉर आम ओपेक कंट्रीज। ओपेक का मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसके अंदर पहला ऑप्शन था अरामको, सऊदी अरेबिया, पेट्रोस चाइना कंपनी लिमिटेड, पीटीआर, टोटल एससी टोट और ऑयल डच शेल। तो इसका ऑप्शन होगा अरामको, क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो ऑयल को एक्सपोर्ट करता है वो सऊदी अरेबिया के कंपनी अरामको के थ्रू करता है सऊदी अरेबिया। उसके बाद इसके रिलेटेड था, मुझे कंफर्म तो नहीं है, नम्स टोग डैम है, डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ये वाला डैम किस रिवर पे एग्जिस्ट करता है, इंडस पे। बी ऑप्शन था जेलम, सी था चनाब, डी था नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडस पे है। फर्स्ट एशियन गेम्स प्लेड इन, ए ऑप्शन था टोक्यो, बी दिल्ली, सी तेहरान और डी था नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन दिल्ली इंडिया होगा, कि फर्स्ट एशियन गेम्स दिल्ली इंडिया में खेली गई। तो इसकी डिटेल कुछ यूं है, न्यू दिल्ली के अंदर जी फर्स्ट एशियन गेम्स ओवर हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1951। एशियन गेम्स वर रेगुलेटेड बाय द एशियन गेम्स फेडरेशन फ्रॉम 1951 टू 1978। सिंस 1982 ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया नाउ रेगुलेट्स द एशियन गेम्स। उसके बाद कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी थे, तो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स डैश राइजन, ए ऑप्शन हैव और बीन, बी हैज, सी हैव और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन हैज होगा। उसके बाद 11th क्वेश्चन, तो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मीटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। मज़ीद इसे आप भी कंफर्म कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे नहीं पता आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद 12th क्वेश्चन था, इफ़ आई डैश एंगर आई वुड ईटन। इसके ऑप्शन भी काफ़ी सारे थे, मुझे अब याद नहीं आए। तो एक क्वेश्चन जो था 13th क्वेश्चन, एक एक्टिव वाइस पैसिव वाइस का भी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था वो तो। उसके बाद 14th क्वेश्चन वाज अबाउट एज, लाइक एक्स इज 4 टाइम्स एज ओल्ड देन वाई, एज वाई 4 ईयर अगो एक्स वाज 10 टाइम्स एज ओल्ड एज वाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस 6 ईयर्स हेंस। उसके बाद 15th क्वेश्चन जो था, द मोहम्मडियन ऑफ इंडिया वाज़ा बुक, ए ऑप्शन था बुक, बी था न्यूज़पेपर, सी था मैगजीन और डी था नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन आप खुद कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में जो मैगजीन था।
16th क्वेश्चन ये था कि द कनाल सिस्टम इन पाकिस्तान हैविंग मोर क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज अपर बारी तो आप झेलम कनाल लोअर बारी या नन ऑफ दीज। इसका आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे मुझे नहीं पता फिलहाल तो कि कौन सी कनाल नेटवर्क कनाल सिस्टम जिसके अंदर मोर क्रॉस ड्रेनेज वर्क एग्जिस्ट करता है। उसके बाद 17th क्वेश्चन है जलालपुर कनाल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, जो कि ऑलरेडी डिटेल मैंने ऑलरेडी आपसे के साथ शेयर कर दी थी इसकी। तो पहला ए ऑप्शन है इंडस, बी है जेलम, सी है चनाब, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर करेक्ट होगा जेलम। मेयरिंग नाउ करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल द स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक इज, ए ऑप्शन है ऑक्टेन नंबर, बी है सी टेन नंबर, सी है क्लोरीफिक वैल्यू, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सी टेन नंबर। तो इसके लिए जो पेट्रोल पेट्रोल की क्वालिटी चेक करने के लिए ना करेक्टरिस्टिक को चेक करने के लिए जो यूज़ होता है वो ऑक्टेन नंबर होता है, जबकि डीजल के लिए जो होता है वो सी टेन नंबर होता है। द बेस्ट एयर फ्यूल रेशो ऑफ डीजल इंजन इज, ए ऑप्शन 15:1, बी ऑप्शन 8:1 to 7:1, उसके बाद सी ऑप्शन 20:1, उसके बाद डी नन ऑफ दिस। तो इसका नन ऑफ दिस होना था क्योंकि पेट्रोल की एयर फ्यूल रेशियो जो होती है वो 15:1 होती है, जबकि डीजल की जो एयर फ्यूल रेशियो होती है वो 8:1 होती है। जबकि इसके रेलिवेंट एक और आता है कि कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन की क्या होती है और कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन की क्या होती है। कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन की जो होती है 4:8, जबकि डीजल इंजन की जो होती है 14:20 होती है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम 25% to 32%, 32% to 38%, एंड 32% to 40%। डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा 32% to 38%। इसकी डिटेल कुछ जो है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम 32% to 38%, जबकि इसके बाद सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, जबकि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन वेरीज फ्रॉम 25% to 32%।